पीएफआई पर कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनआईए और ईडी की 8 राज्यों में संयुक्त कार्रवाई चल रही है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों में एनआईए की छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। एनआईए ने इंदौर भोपाल समेत कई जिलों में कार्रवाई की। मध्य प्रदेश पीएफआई के 21 सदस्यों को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। इंदौर के अब्दुल रऊफ को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है। वहीं दिल्ली, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल में छापेमारी। महाराष्ट्र में 14 पीएफआई के सदस्यों को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कार्रवाई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए एनआईए और ईडी की 8 राज्यों में संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है और 8 जिलों में एनआईए की छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में कार्रवाई जारी है। पीएफआई के 21 सदस्यों को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के अब्दुल रऊफ को भोपाल में जाकर गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तारी जो है अब्दुल रऊफ की भोपाल से हुई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, केरल में छापेमारी जो है वो देखी गई है। महाराष्ट्र में 14 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तो देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर में अब्दुल रऊफ को भोपाल से गिरफ्तार किया है, वहीं महाराष्ट्र में 14 पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। तो देखिए कहां से कितनी गिरफ्तारी इन राज्यों में जो है छापा पड़ा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। इंदौर से दानिश गौरी को गिरफ्तार किया पुलिस ने और इंदौर के अब्दुल रऊफ को भोपाल से। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, ये जांचों के तार जो है अब कहां तक पहुंच गए हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में फिलहाल जो है 21 सदस्यों को जो है पीएफआई के वो गिरफ्तार किया गया है और यहाँ राजधानी भोपाल से भी एक सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि रऊफ को फिलहाल कहाँ से गिरफ्तार किया गया है ये अभी पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन आप ये जो प्रदेश कार्यालय देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का, यहाँ से भी एक सदस्य की गिरफ्तारी हुई है। मैं आपको बता दूं, जो पूरी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, नीचे इसका प्रदेश कार्यालय है, ऊपर जो है लगातार जो है मीटिंगों का दौर जारी रहता था। यहाँ स्थानीय लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर जो है देर रात मीटिंग होती थी और 8 से 10 लोग अमूमन यहां पर पहुंचते थे। अगर आप इनके टैगलाइन पर ध्यान देंगे, भूख से आजादी और खौफ से आजादी, तो ये जो टैगलाइन है कहीं ना कहीं एक ही नेगेटिव मैसेज भी बयां यहां पर कर रही है कि किस तरीके के खौफ से ये लोग आजादी चाहते थे और इसी के तहत क्या जोड़ने की तैयारी वो यहां पर कर रहे थे संगठन में जोड़ने के लोगों को, ये सबसे बड़ा यहां पर एक सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, खौफ से आजादी, जाहिर सी बात है यही मैसेज जो है संगठन के जरिए वो यहां पर पहुंचाना चाहते थे और लोगों को यहां पर जोड़ना चाहते थे एक उनका ब्रेन वॉश करके कि किस तरीके से जो है सरकार या अन्य जो संगठन है वो खौफ पैदा कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वर्ग की अगर हम बात करें, और इसके लिए यहाँ पर जो है मीटिंग्स भी जारी रहती थी। देखिए, स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार यहाँ पर जो है 8 से 10 लोग रात में जमा होते थे, यहाँ पर रात में भीड़ जमा होती थी और अमूमन रात में ही यहाँ पर जो है मीटिंग्स की जाती थी। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 से 4 बजे के आसपास रात में यहाँ पर जो है कार्रवाई, छापेमार कार्रवाई की गई है। स्थानीय लोगों को भी ये भी कहना है कि सुबह क्राइम ब्रांच भी यहाँ पर पहुंचा था और क्राइम ब्रांच ने भी यहाँ पर पहुंचकर बिल्कुल अमृतांशी, तो जांचों के तार जो है वो धीरे धीरे हर राज्यों में छापेमार कार्रवाई की जा रही है और अब जो है इंदौर से भी गिरफ्तार किया गया है और महाराष्ट्र में 18 लोगों को हिरासत में ले दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें खबर को विस्तार से बताने के लिए। चलिए अगले खबर का रुख करेंगे, जहां उज्जैन में शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। महाकाल कॉरिडोर का सीएम करेंगे निरीक्षण। युवाओं को राशन, परिवहन का रोजगार भी दे सकती है सरकार। अन्य दूत योजना को मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी। कुटुंब न्यायालय में नए पदों को मिलेगी स्वीकृति।